नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव न्यूज। पेश है आज की प्रमुख खबर। यूपी के जनपद प्रतापगढ़ के मणिपुर क्षेत्र अंतर्गत कर्मगंज निवासी अमृत लाल सरोज आर्थिक तंगी की वजह से आत्मदाह कर लिया था, जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष थी। अपने पीछे विधवा मां, पत्नी व दो बच्चों को छोड़कर इस दुनिया को अमृत लाल ने अलविदा कह दिया था। यह घटना बहुत ही दर्दनाक थी। वही घटना के बाद समाजसेवी व कांग्रेसी नेता संदीप त्रिपाठी ने मौके पर पहुंचकर परिवार को आर्थिक मदद दी। आपके माताजी के पति भी नहीं हैं, लगभग 2 साल इलाज चलने के बाद उनका देहांत हो गया पिछले वर्ष, और आज माताजी को विधवा पेंशन भी नहीं मिल रही है। और जो पिंटू जी थे, जिनकी जो है आर्थिक तंगी से तंग होकर जो है कर्ज के दबाव में उन्होंने आत्महत्या कर ली, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि समाज में जो भी सामाजिक लोग हैं, हम लोगों को चाहिए कि इस तरह की घटना होने के पहले हम जितनी मदद कर सकते हैं करें, ताकि यह नौबत ना आए। और आपके माध्यम से ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई भी व्यक्ति अगर इस कोरोना महामारी में जिस तरीके से लोगों की नौकरी चली गई है, लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, उन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हम सबको मिलकर लड़ना है, हम तभी इस लड़ाई को जीत सकते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप इस तरह का कदम उठाने से पहले आप सोचें कि आपके जाने के बाद आपके बच्चों, आपकी माताजी, आपकी पत्नी के साथ क्या कैसे वो गुजारा करेंगी। आप इस तरीके के कदम उठाने से बचें। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी मानसिक प्रताड़ना से, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी आपका सहयोग करने के लिए, निर्माण यूनियन मजदूर आपके जो है सहयोग के लिए